आपने अगर बोला सर सेकंड या थर्ड आपने बोला तो आप व्हाट द लाइक यूज्ड टू ऑन दैट वर्ड कैटेगरी. आपने अगर फर्स्ट बोला मैन टू इट्स नॉट लाइक यू विल बी स्टिकिंग ऑन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस मैन राइट और रॉन्ग मैन. ये सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज होती रहती है. तो दैट मींस हमारी जो पेरेंटिंग है कहीं ना कहीं थोड़ी सी इफेक्टिव रहती है रिगार्डिंग द चिल्ड्रन की ठीक है आपको नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं हम इस केस में लीडेड हो जाते हैं और उसको वो चीज़ करने देते हैं. तो उससे क्या होता है कि यू फाइंड अ वे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ मैं ऐसे आगे भी करूँ तो मेरे को एक ईजी पाथ पे मिल जाता है करने के लिए. सो दैट इज वाई वी हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर रूल कि हमको क्या करना है वेदर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. Ideal and the best treatment for the child as a parent we should always follow our daughter. But definitely har jagah har cheez is possible nahi. Now basically broadly hamare three types ki parenting hote hai jo hum regular sare parents follow karte hain. Ek hoti hai jisko hum bolte hain army treatment. Army treatment basically kya hota hai parenting is very demanding and responsive. कहने का मतलब इसका ये है कि पेरेंट्स ने एक डेडलाइन एक लिमिट सेट कर रखी है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. 2 साल का बच्चा है टेबल पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है. फादर मदर और बच्चा खाना खा रहा है. उसने बोला मुझे ये नहीं खाना खाना थ्रो कर दिया. मामा क्या बोलेगी कोई बात नहीं बेटा खा लो एक डांट मारेगी दोबारा कोशिश करेगी. फादर कोशिश करेंगे नहीं खाया फिर उसने गिरा दिया. अब मम्मा परेशान हो जाती है थप्पड़ मारना शुरू टैंट्रम्स ये सब होता है. ये नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस होता है सबके साथ एक फॉलो होता है. तो इसमें हमको एक चीज़ ये फॉलो करनी होती है कि यू फॉलो अ नेचुरल सीक्वेंस नेचुरल कॉन्सिक्वेंस बच्चे को सिखाओ. अगर आप खाना गिराओगे तो आपको खाना उठाना है. देर इज नो इफ्स एंड बट्स. गिराओगे तो उठाना है. मदर या पेरेंट्स बोलते हैं बॉल पे मत करो बच्चा स्ट्रगल करेगा. तो एक बार कर लिए दो बार कर लिए नॉर्मल है सब मेरे बच्चे करते हैं. बट अगर आपको पता है यहाँ पे नहीं करना ये चीज़ आपको नहीं करनी है तो देर शुड बी अ स्ट्रिक्ट नो ऑन दैट. नो तो नो ही रहना चाहिए शुड नॉट बी नेगोशिएबल. This is called, और ऐसे बच्चे अगर हम करते हैं they will in future will become disciplined, confident होंगे आपकी बात सुनेंगे आपकी respect करेंगे. एक दूसरी होती है strict father model. उसमें हम क्या होता है कि father बिल्कुल strict है Hitler type का approach आता है. आपको ये नहीं करना है नहीं करना means नहीं करना. उसमें कोई logic नहीं दे रही. तो बच्चों को हमेशा बच्चे देखो उनका एक अप्रोच साइकोलॉजी ऐसी रहती है अगर आपने उसको बोला ये नहीं करना विदाउट एनी रीजन उसके माइंड में बच्चे का माइंड में रहेगा क्या आपको कह दो तू राजा है यहाँ पर क्यों नहीं करूँगा मैं तो करूँगा आप कौन हो. ये अप्रोच रहती है बच्चे की. वो आपको उसको एक लॉजिकल रीजन देना है. एंड प्लीज रिमेंबर बच्चों को झूठ नहीं बोलना. ये आपको नहीं करना क्योंकि कुछ कुछ आपने एबीसीडी रीजन दे रहे हो. वेरी स्मार्ट दे आर वेरी स्मार्ट इनफ. उसको एक प्रॉपर लॉजिकल रीजन दो आपको ये नहीं करना क्यों नहीं करना. और नेक्स्ट टाइम अगर वो करता है डू इट अगेन. एंड एक्चुअली रिसर्च हुई है व्हाई यू गेट यू हैव टू ट्राई एट लीस्ट 8 टू 10 टाइम्स फॉर अ किड टू सो दैट इट डजंट डू दिस थिंग अगेन. दिस इज नॉट अ टॉडलर एज दैट इज 2 टू 4 इयर्स. आप एक बार बोलते हैं बच्चे ने नहीं किया तो बार बार करने लगता है. तो अगर हम ऐसा तो अगर हम ऐसा मॉडल अगर हम फॉलो करेंगे अगर हम ऐसा मॉडल फॉलो करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होती. हमने पापा ने बोल दिया नहीं करना कहीं नहीं करना बच्चे से पूछेंगे तो उसका माइंड नहीं सेट होता. उसको लॉजिकल थिंकिंग कॉम्बिनेशन वो चीज़ें डेवलप नहीं होती. एक आगे लेटर लाइफ में क्या डिसीजन लेने हैं फैमिली के लिए अपने लिए उसमें वो हमेशा कॉन्फिडेंस कम रहेगा. ही विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स. तो ये अप्रोच वी शुड ऑलवेज शुड नॉट फॉलो दैट. वी शुड ऑलवेज निगलेक्ट दिस अप्रोच. वी शुड ऑलवेज डिस्करेज दिस अप्रोच. एक फैमिली दैट इज अ मोस्ट कॉमन. घर में जॉइंट फैमिली है फादर मदर हैं ग्रैंड मामा हैं ग्रैंड पापा हैं नाना नानी हैं. पेरेंट्स से तो बच्चा डरता है. जब कोई डिमांड कर ले जाएगा दादी के पास जाएगा. दादी दादी मेरे को ये चाहिए. दादी एकदम पूछोगे हाँ बेटा मैं तेरे को देती हूँ क्या चाहिए आपको बताओ क्या चाहिए. फिर वो जाएगा पापा के पास. पापा मेरे को चाहिए. पापा मना कर देंगे. मम्मा मना कर देंगी. फिर दादी के पास. तो उसको एक एस्केप मैकेनिज्म मिल गया कि मेरी चीज़ें कहाँ हो सकती है. और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं उनकी साइकोलॉजी आप यकीन नहीं करेंगे. दे स्टार्ट डेवलपिंग वेन दे आर इन द रूम मतलब जब वो यूट्रस में होते हैं. तो उनकी साइकोलॉजी स्टडी करना ये सब चीज़ें देखना उससे पहले तो बच्चों की
साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि कैसे होती है। तो दे ऑलवेज फाइंड इट बहुत इजी पाथ। ये मानने भी लागू होता है बच्चों के लिए भी कि ऑलवेज दे विल फॉलो एन इजी पाथ। डिफिकल्ट पाथ होगा जो राइट पाथ होगा दैट विल बी ऑलवेज डिफिकल्ट। इजी पाथ और रॉन्ग पाथ विल ऑलवेज बी। तो वो देख लेते हैं कहाँ मेरे को जाना है, वहाँ से वो अपनी डिमांड शुरू करते हैं। वो कहने का मतलब ये है द अप्रोच ऑफ द फैमिली शुड बी यूनिवर्सल, इट शुड बी टुगेदर। एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है उससे फायदा नहीं। अगर हम बच्चे को कभी हम जल्दी बच्चों को रूट कब करते हैं, या तो हमारी कोई फ्रस्ट्रेशन है या हम किसी चीज़ से परेशान है या हमने बच्चों या हम कब बच्चों को रूट करते हैं, या तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते या आप किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हैं या आपको कुछ बात नहीं समझ आ रही है या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, तो हम उनको हिट करते हैं। लेकिन आफ्टर हिटिंग आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप थोड़ा बैठते हैं शांति से और सोचते हैं, यू विल ऑलवेज फील योरसेल्फ ऑन द गिल्टी साइड कि मैंने बच्चे को क्यों मारा। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से, करते हैं सारे? कोई है जो नहीं एग्री करता कि मैंने बच्चे को मार दिया उस समय तो इम्पल्सिव पीरियड था, मैंने एक चपाट मारा या हो गया अब आगे नहीं करेगा, आगे वो जरूर करेगा, वो और स्टबन हो जाएगा। और 5 मिनट बाद अब जब आप रूम में जाते हैं सारे लोग फील फील करते हैं, दिस इज ऑन माय पार्ट आल्सो, आई एम आल्सो परेशान गिविंग अ लेक्चर एज अ डॉक्टर बट दैट फॉलोज फ्रॉम मी आल्सो। तो हम वो गिल्ट फील करते हैं। तो अब इस चीज को गिल्ट को दूर हटाने के लिए ये चीजें हम बार बार ना फॉलो करें, हम इसको कैसे कर सकते हैं अप्रोच? अब एक हमारी ब्रेन में भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज बना रखी है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन सेल। एक न्यूरॉन हमारे ब्रेन में देयर आर अराउंड 100 मिलियन न्यूरॉन सेल्स।